Good morning, all of you. How are you? I hope you all are superb. Hi, Priyanka. Welcome to All On Online EVS class at home. Today, we are going to cover day 3 of unit 6 Force and Simple Machines. In our previous class, we have learnt about the forces and types of forces. Can you tell me what are the two types of forces? Yes, contact forces and non contact forces. What are contact forces? जिसमें हमारा फिजिकल कॉन्टेक्ट होता है बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स दैट इज कॉन्टेक्ट फोर्स ओके एंड कॉन्टेक्ट फोर्सेस के हमारे कौन कौन से टाइप्स होते हैं यस मस्कुलर फोर्स एंड यस फ्रिक्शनल फोर्स नाउ जब भी फोर्स अप्लाई होता है और हमारा ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोई भी हमारा कॉन्टेक्ट नहीं होता है फिजिकल कॉन्टेक्ट सो व्हाट इज दैट दैट इज नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स ओके जब भी हमारा विदाउट कॉन्टेक्ट हमारा फोर्स अप्लाई होगा तो वो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स होगा एंड वट आर द टू टाइप्स ऑफ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेज यस ग्रेविटेशनल फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स दीज आर द टू टाइप्स ऑफ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ आई शो यू मस्कुलर फोर्स मैग्नेटिक फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बाय एक्टिविटीज नाउ सी What is in my hand? Yes, notebook. Okay, you can see there is also a contact between my hands and the notebook. So what it is? Yes, frictional force. ye frictional force hai क्योंकि जो frictional force की वजह से ही कोई भी चीज़ हमारी stop हो जाती है, कोई भी चीज़ हमारी उसकी speed भी कम हो जाती है और किसी भी चीज़ को हम hold भी कर सकते हैं with the help of फ्रिक्शनल फोर्स क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स क्या करती है ग्रिपिंग प्रोवाइड करती है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को होल्ड कर सकते हैं पकड़ सकते हैं यू कैन सी तो अब भी मैंने इसको होल्ड किया तो यहां पर भी कॉन्टेक्ट बिटवीन माई हैंड्स एंड यस द ऑब्जेक्ट यू कैन सी नोटबुक को भी मैंने पकड़ रखा है और इसको भी मैंने पकड़ रखा है फ्लूड को सो वॉट इट इज कॉन्टेक्ट फोर्स तो फ्रिक्शनल फोर्स हमारी कॉन्टेक्ट फोर्स होती है ओके नाउ सी

द ऑब्जेक्ट ओके तो यहाँ पर हमारी मस्कुलर फोर्स अप्लाई हो रहा है ठीक है तो मस्कुलर फोर्स भी हमारा कब अप्लाई होता है जब कोई भी टू ऑब्जेक्ट हमारे टच में होते हैं अब देखो हमारा जो हैंड है वो दूर है ओके okay? और जो हमारी सेफ्टी पेंस इनके बीच में अगर कॉन्टेक्ट नहीं है अगर इनके बीच में कॉन्टेक्ट नहीं है तो ये मूव नहीं करेंगी ओके सो मस्कुलर फोर्स इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स नाउ आई शो यू नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स वट इज इन माई हैंड यस मैग्नेट एंड सेफ्टी पिंस एंड देर इज नो कॉन्टेक्ट बिटवीन दम इन दोनों के बीच में कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं है बट यू कैन सी विदाउट कॉन्टेक्ट विदाउट कॉन्टेक्ट दीज आर एट्रेक्टेड बाय द मैग्नेट ओके सो वट इट इज नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स वट इट इज येस नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स क्योंकि सेफ्टी पिंस और मैग्नेट के बीच में कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी ये अट्रैक्ट कर रहे हैं यहां पर भी फोर्स अप्लाई हो रहा है मैग्नेट फोर्स अप्लाई कर रही है जिसकी वजह से ये अट्रैक्ट हो रही है ओके नाउ आई शो यू ग्रेविटेशनल फोर्स ओके सी सपोज दिस वन इज द सरफेस ऑफ अर्थ ओके एंड वट इज इन माई हैंड मैग्नेट इफ अगर मैं इसको ऊपर से ऐसे ही Leave कर देती हूँ छोड़ देती हूँ देन वट हमारा किसके ऊपर आके गिरेगा यस yes, नोटबुक के ऊपर सो वट इट इज इट इज ग्रेविटेशन फोर्स मीन्स अगर हम किसी भी चीज को ऊपर की तरफ ले जाते हैं और हम उसको नीचे की तरफ अगर छोड़ देंगे तो वो नीचे की तरफ ही क्यों आती वो ऊपर की तरफ क्यों नहीं जाती ड्यू टू द ग्रेविटी ओके क्योंकि अर्थ जो है वो हर एक चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है ओके okay? so what it is gravitational force i hope you understand now today we will cover our new topic and that is work okay let's start work what is work work is done when force applied on an object moves it in the direction of the force work kab hoga jab jis direction mein हम ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसी डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट मूव करे ओके सो व्हेन वी विल कॉल इट वर्क इज सेड टू बी डन ओके नाउ यू विल ओपन योर नोटबुक एंड यू विल नोट डाउन द डेफिनेशन ऑफ वर्क इन योर फेयर नोटबुक आई एम गिविंग यू टू मिनट्स टू नोट डाउन आई होप यू हैव डन now you will open your student reader sr2 i hope you have opened let's start work when we apply force on an object and the object moves in the direction of force work is said to be done jabham force apply karte hai, kisi kcb object par. तो वो ऑब्जेक्ट हमारा मूव करने लग जाए किस डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ फोर्स में तो हम क्या बोलेंगे वर्क इज सेड टू बी डन कि काम हो रहा है ओके फॉर एग्जाम्पल इन दिस पिक्चर द गर्ल पुश इज द कार्ट एंड द कार्ट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स हेंस वर्क इज डन यू कैन सी इन द पिक्चर एक लड़की है वो कार्ट को पुश कर रही है तो जो कार्ट है वो हमारा जिस डायरेक्शन में वो फोर्स अप्लाई कर रही है उसी डायरेक्शन में हमारा चल रहा है तो ये कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है means, जो कार्ट वो मूव कर रहा है सो विल कॉल इट वर्क इज टू बी डन ओके नाउ बट समाइम्स इवन वी अप्लाई फोर्स जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं द ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव हमारा ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है इन दीज केसेस वर्क इज नॉट डन तो इन केसेस में वर्क नहीं हो रहा है इन दिस पिक्चर द बॉय इज एक्सटिंग फोर्स टू द पुश द वॉल बट द वॉल इज नॉट मूविंग हैंज वर्क इज नॉट डन यू कैन सी इन द पिक्चर एक लड़का है जो वॉल को पुश कर रहा है लेकिन जो वॉल है वो हमारी मूव नहीं कर रही है ओके सो वी विल कॉल इट वर्क इज नोट सेट टू बी डन मींस जो वर्क है वो नहीं हो रहा है ओके okay? तो हमें यहां से क्या पता चली कि जब भी हमारा ऑब्जेक्ट मूव करेगा ओके okay? ऑब्जेक्ट जब मूव करेगा जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो हम उसको वर्क बोलेंगे ओके मीन्स वर्क हो रहा है ओके okay? और अगर हमारा ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा तो वर्क नहीं हो रहा है नाउ सी इन एक्टिविटी वन यू कैन सी इन द पिक्चर पुलिंग अ चेयर एक चेयर को पुल कर रहे हैं सपोज आप इस चेयर को पुल कर रहे हो ओके okay? तो हु इज अप्लाइंग द फोर्स तो फोर्स कौन अप्लाई करेगा यस yes, आप करोगे अगर मैं कर रही हूं तो मैं करूंगी ओके हु इज अप्लाइंग द फोर्स मी ओके ऑन वट इज द फोर्स बिंग अप्लाइड और हम किसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे यस yes, चेयर के ऊपर इज वर्क बींग डन तो हम चेयर को पुल कर रहे हैं तो जो चेयर है वो हमारी पुल हो जाती है तो इज वर्क बिंग डन यस वर्क होगा इफ वर्क इज बिंग डन वट फोर्स इज बिंग अप्लाइड तो किस टाइप की फोर्स हमारे यहां अप्लाई हुई है हैंड्स में क्या होती है मसल्स और मसल्स कौन सी फोर्स अप्लाई करती हैं मस्कुलर फोर्स वेरी गुड

एक मैन है वो वॉल को क्या कर रहा है पुशिंग अ वॉल वॉल को पुश कर रहा है तो हु इज अप्लाइंग द फोर्स मी ओन व्हाट इज द फोर्स बीइंग अप्लाइड किसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं यस द वॉल इज वर्क बीइंग डन क्या वर्क होगा यू कैन सी इन द पिक्चर जो वॉल है वो हमारी स्टेशनरी है यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर हमारी नहीं जा रही है ओके okay? तो जो फोर्स ऑफ डायरेक्शन में हमारी ये मूव नहीं करती है तो वर्क नहीं होगा इफ वर्क इज बींग डन वट फोर्स इज बींग अप्लाइड अगर वर्क नहीं हो रहा है तो कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रही है ओके okay? अगर फोर्स अप्लाई होगी तो हमारा जो वर्क है वो होगा नाउ सी हु इज़ अप्लाइंग द फोर्स मी ऑन वट इज द फोर्स अप्लाइड द वॉल इज वर्क बींग डन नो

अप्लाइड किसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं यस डस्टर के ऊपर इज वर्क बींग डन यस वर्क होगा क्योंकि जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स में हमारा डस्टर मूव करेगा इफ वर्क इज बिंग डन वट फोर्स इज अप्लाइड तो किस टाइप की फोर्स अप्लाई होगी यस मस्कुलर फोर्स सी हु इज अप्लाइंग द फोर्स मी On what is the force being applied? The duster. Is work being done? Yes. As the duster moved in the direction of the force. If work is being done, what force is being applied? Yes. Muscular force. Now, see in activity 4, dropping a pen. Kisi bhi pen ko? Gira rahe hai. Okay. You can see in the picture. Who is applying the force? फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है यस अर्थ इज अप्लाइंग द फोर्स ऑन वट इज द फोर्स बींग अप्लाइड फोर्स किसके ऊपर अप्लाई हो रही है ऑन द पेन इज वर्क बींग डन तो क्या वर्क होगा यस एंड इफ वर्क इज बींग डन वट फोर्स इज अप्लाइड यस ग्रेविटेशनल फोर्स यू कैन सी हु इज अप्लाइंग द फोर्स द अर्थ ऑन वट इज द फोर्स बींग अप्लाइड द पेन Is work being done? Yes, as the pen moved in the direction of the force. If work is being done, what force is being applied? Gravitational force. I hope you understand. Now you will open worksheet number 3 and you will complete this worksheet just now. I am giving you 6 minutes to complete it. After that, we will discuss the answer i hope you have done now let's discuss the answer work for each of the images below put a tick isme aapko tick karna hai against the image where work is being done also identify who is doing the work and what work is being done and the first one has been done for you इसमें आपको बताना है कि वर्क हो रहा है ओके okay? और अगर वर्क हो रहा है तो फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है और इसमें आपको एक करके दिखाया गया है यू कैन सी इन द पिक्चर पिक्चर वन में दिस वन इज डन फॉर यू द मैन इज डूइंग वर्क इसमें मैन वर्क कर रहा है एंड द वर्क बींग डन इज लिफ्टिंग द वेट्स ओके इन द सेकेंड वन work is also done a man is doing work and he is pushing a box up the plank okay now see in c part work is not done okay work is not being done as the wall is not moving wall move kar rahi hai, even though the boy is exerting force to push the wall because force of force के डायरेक्शन में हमारा जो ऑब्जेक्ट वो मूव नहीं कर रहा है नाउ सी अ बॉय इज स्लीपिंग तो यहां भी कोई भी वर्क नहीं हो रहा है वर्क इज नॉट बिंग डन एज द बॉय इज नॉट अप्लाइंग फोर्स ओके नाउ सी इन नेक्स्ट पार्ट वर्क इज बिंग डन वर्क हो रहा है अ वुमेन इज डूइंग वर्क एंड शी इज पुशिंग अ प्रैम ओके नाउ नेक्स्ट यू कैन सी दिक्चर वर्क हो रहा है ओके द पीपल ऑन द बोट आर डूइंग वर्क एंड दे आर मूविंग द बोट फॉरवर्ड वो बोट को फॉरवर्ड आगे की डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं तो फोर्स ऑफ फोर्स जिस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा उसी डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है आई होप यू अंडरस्टैंड टूडे वी लर्न अबाउट वर्क वट इज वर्क वेन वी अप्लाई फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट मूव इन द डायरेक्शन जब हम फोर्स करेंगे और हमारा ऑब्जेक्ट जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करेंगे और हमारा ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं सो वट इज दैट ये दैट इज वर्क ओके I hope you understand about the work. Now, let's discuss the homework. You will read SR2 and you will complete and learn worksheet number 3 in your workbook. Okay, bye. Happy learning.